সায়েন্স সিটিতে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান, আর সেখানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। का नोबल पुरस्कार जीतने का सम्मान भी कवि गुरु के खाते में ही जाता है और दो दो देशों के राष्ट्रगान का रचयिता होने का सम्मान समग्र विश्व में किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, आइंस्टाइन, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में योगदान करने वाले लोगों के साथ इनका आत्मीय परिचय रहा। उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में योगदान करने वालों को प्रेरणा भी दी और उनके प्रेरणा स्रोत बने। शांति निकेतन की स्थापना, ये शिक्षा को नए आयाम देने वाला कवि गुरु का शिक्षा के क्षेत्र में अमिट योगदान देने वाला एक योगदान है। और शिक्षा अंग्रेजों ने यहां शुरू की हुई शिक्षा नहीं, रटे रटाए कोर्स के माध्यम पर, रटी रटाई परीक्षा देकर मार्क्स लेने वाली शिक्षा नहीं, शिक्षार्थी के अंदर पड़ी हुई सारी क्षमताओं को अनंत आकाश तक की ऊंचाइयों तक ले जाने की शिक्षा का शांतिनिकेतन में शुरुआत कवि गुरु ने किया। और ये हम सब के लिए ये प्रयोग जो है शिक्षा का वो संभाल कर रखने जैसा है और उसको समग्र विश्व के सामने रखने जैसा। ब्रह्मो समाज का, उपनिषद का संदेश को भी उन्होंने बलपूर्वक समाज के अंदर प्रस्तापित करने का प्रयास किया। एक मायनों में देखे तो भारत की आत्मा का दुनिया को परिचय कराने का काम अगर किसी ने किया है तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। दुनिया को भारत का परिचय और भारत की आत्मा का परिचय कराने का काम कवि गुरु ने अपने जीवन के इतने लंबे काल के अंदर किया। कवि गुरु के जीवन की शुरुआत के बारे में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु गुरुदेव ने होमवर्क के दिनों के लिए जो लिखा है इसको जरूर मैं कहना चाहता हूं, इससे इनके विचारों के गहराइयों को हम पा पाएंगे। छोटी मोटी चिड़िया कितनी खुशकिस्मत है कि अपने माता पिता शाम को दिया बाती नहीं जलाते, उन्हें अपना पाठ पाठ केवल सवेरे याद करना पड़ता है और वे सब कितने उल्लास से उनको याद करते हैं। किस प्रकार के शिक्षा के लिए उनके विचार था ये, इसकी अभिव्यक्ति ये चंद लाइनों के अंदर उन्होंने की है। कवि गुरु का गुजरात के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता हुआ, गुजरात और गुजरात के साहित्य के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता रहा। गुरुदेव की अनेक रचनाएं, कविताएं गुजरात में भाषांतरित भी हुई है और 17 साल की उम्र में ही गुरुदेव ने अहमदाबाद का प्रवास किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और तुकाराम के अभंग कविताओं का बंगाली में अनुवाद कर बंगाल को महाराष्ट्र के साहित्य के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास किया। अहमदाबाद की चर्चा करते हुए कवि गुरु ने लिखा है, अहमदाबाद में मैंने पहली बार अनुभव किया कि इतिहास ठहर गया है और उसने अपने चेहरे को ऐश्वर्यपूर्ण अतीत की ओर घुमा लिया है। जिस प्रकार का अंग्रेजी शासन में अहमदाबाद का स्थिति हुआ था इसकी वेदना की अभिव्यक्ति गुरुदेव ने यहां पर की थी और आज भी सारे गुजरातियों को अहमदाबाद की वेदना की अभिव्यक्ति के लिए कवि गुरु को हमेशा याद करती है। कवि गुरु के जीवन में ढेर सारे लोगों के साथ संपर्क भी आया, ढेर सारे लोगों को संकट के समय में और बहुत मार्गदर्शन करने का काम उन्होंने किया। अटल जी हमेशा कहा करते थे
वैचारिक मतभेद होना ठीक है, परंतु मतभेद नहीं होना चाहिए। और कवि गुरु और गांधी जी दोनों के रिश्तों के अंदर ये विचार पूर्णतया हम व्याख्या ही कर सकते हैं। ढेर सारे गांधी जी के फैसलों के लिए उनके मतभेद रहे, कभी असहयोग आंदोलन के बारे में उनके विचार अलग पड़े, कहीं सुभाष बाबू के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बारे में उनके विचार अलग पड़े, परंतु दोनों का लक्ष्य एक था, विचार अलग था। और हमेशा ये दोनों महामानवों ने, गुरुदेव ने गांधी जी को महात्मा और गांधी जी ने कवि गुरु को गुरुदेव करकर समग्र विश्व के सामने, देश के सामने सम्मान के साथ रखने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको मिलने के लिए दो बार शांतिनिकेतन गए। वर्ष 1939 में जब कांग्रेस से सुभाष बाबू को त्याग पत्र देना पड़ा, तब भी गुरुदेव ने बीच बचाव करने का प्रयास किया था। और हमेशा नेताजी ने इनकी परछाई, नेताजी के, गुरुदेव के विचारों की परछाई नेताजी के समग्र जीवन के कर्तृत्व के अंदर दिखाई पड़ी। गुरुदेव और जगदीश चंद्र बोस उनके गहरे रिश्ते रहे। जगदीश चंद्र बोस जब हताश थे, उनकी वैज्ञानिक बुद्धि को कोई समझ नहीं पा रहा था, तो लंदन से एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी हताशा को कवि गुरु के सामने प्रकट किया। और कवि गुरु ने 1901 में बोस के वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए त्रिपुरा के महाराज से उनको मदद कराकर वो क्रिटिकल टाइम में जगदीश चंद्र बोस को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी सहायता करी थी। गुरुदेव और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में भी बहुत गहरे रिश्ते रहे। और जब गुरुदेव को मालूम पड़ा कि 1932 में जर्मनी छोड़कर आइंस्टाइन को जाना पड़ा, तो गुरुदेव ने शंघाई के एक पत्र में सार्वजनिक बयान जारी किया, मेरे मित्र आइंस्टाइन का जिस प्रकार से अपमान हुआ है, उसने आधुनिक सभ्यता संबंधी मेरे विचारों को बुरी तरह झंझोर कर रख लिया है। जिस प्रकार से जर्मनी के अंदर व्यवस्था बनी, इसको बहुत कम शब्दों में इसका विरोध करने का काम गुरुदेव ने किया। गुरुदेव और साहित्य ये अपने आप में अलग हो ही नहीं सकते। हिंदी में एक कहावत है।